चरणों में विराजमान ट्राई स्टेट दी सूचियां संगतां पंथक जथेबंदियां ते गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे नुमाइंदे साहिबान, आओ फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी उस दुख की घड़ी की सांझ कर रहे हाँ जिहड़ी पिछले दिनी राजचेस्टर गुरद्वारा साहिब दे विच वापरी है, क्योंकि बड़ा वड्डा सिक्खी दे उत्ते एक वार है। कितों चलिया इसकी बैकग्राउंड थोड़ी जी पहलों यादवंदर सिंह उन्होंने भी दसी है कि आलमोस्ट इनू डेढ़ दो साल दुख दीन हो गए जो जथेदार साहब दंती साहब सन, उस तो दुखदी दुखदी अज इतने पहुँच गई कि जिहड़ा भी सिख अमृतधारी है वह गुरद्वारे दे विच जा नहीं सकता। पहली गल गुरद्वारा तो है ही नहीं, आप हम इस पॉइंट से ये भी वह गुरद्वारा अच है नहीं। बड़ी वधिया गल हो गई जे एक जी कमेटी आप बनाने की सोच रहे हाँ, पहलों आप कमेटी वेखिए वो ही बंदा वे चलो जो को टाइम हैगा। कई बार ना लिखाने की खातर असं अपना ना गाड़ी कर देंगे तो जो मीटिंग सदन ही जाता ही कोई नहीं, बंदे पांच चार ही रह जाते हैं तो वह बंदे फिर पूरा फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि कमेटी पहलों चुनी होती है तो उस बंद जवाब दे फिर बन जाते हैं। इस करके मेरी बेनती है सारे जो कमेटी कोई चुननी चाहते हैं तो उस बंद का नाम दो जिहड़ा जा सकता कदे, जे जा नहीं सकता तो वह ना ना दो, ये बड़ा जरूरी होगा। इस घड़ी के जी अज उ हैपन होया आप सारे सिख जो धरती बैठे हाँ साढ़े हिरदे वलूंधरे जाते हैं जो यह गल सुनी जाती है, पर आप कट्ठे होकर इसका विरोध करना है तो इस दे उत्ते पहरा देना है। जे अज एक गुरद्वारे जो है तो कल होर भी कितने हो सकता है। इस करके मेरे वीर सारे रल मिल के इस कारज में आप अगे दौड़िए तो जिहड़ा फैसला लेना है सानू इतों जिहड़ी कमेटी बनाओगे उत्थे जाना चाहिए, दोनों धिरां नूं भाल के जो नहीं करते तो सानू कोर्ट दे विच चैलेंज करना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का।